सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दरवाजे पर ताला इसीलिए लगाया जाता है जिससे ईमानदार व्यक्ति का ईमान ना डगमगाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। अगर किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में निकला है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ बिल्कुल ना करें। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। आज का पंचांग 4 दिसंबर 2021 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दोपहर 1:13 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र सुबह 10:46 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:36 से 10:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी वृश्चिक राशि पर ही रहेंगे। मेष राशि 4 दिसंबर 2021, यह समय आपके लिए शानदार है। कानूनी मामले आपके पक्ष में हैं। आपको अपने सलाहकार या पिता के साथ विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। आपके आध्यात्मिक विश्वासों का परीक्षण किया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिस धन का आप इंतजार कर रहे हैं वह जल्द ही मिलेगा। आज के दिन अपने परिवार रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ समय बिताने का है। अपने संबंधों को और भी मजबूत करें। प्रौद्योगिकी के कारण अपने प्रियजनों से संपर्क करना आसान हो गया है तो इसका प्रयोग करें। मुश्किलों से लड़ना सीखें क्योंकि या तो आपको सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। आज का दिन परिवार व बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का है। साथ ही शॉपिंग और मनोरंजन अधिकारियों में भी समय व्यतीत होगा। आपके व्यक्तित्व संबंधित कुछ सकारात्मक बातें लोगों के सामने आएगी जिससे शुभ परिणाम आपके पक्ष में रहेंगी। कई जानकारियां मिलेगी, आपको क्या करना है और क्या नहीं ये पता चलेगा। तनाव खत्म होगा। मन की शांति बनाए रखने के लिए कोशिश करनी होगी। कला और लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को फायदेमंद मौके मिलेंगे। लव लाइफ और पार्टनर संबंधित महत्वपूर्ण बातें पता चलेगी। पेट की जलन और थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है। सावधानियां, किसी भी प्रकार की यात्रा को आज स्थगित रखें क्योंकि कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जलन की भावना से कुछ नजदीकी लोग ही आपका अहित करने की कोशिश करेंगे, चेक करते रहना आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज लंबी दूरी की यात्रा पर जाएं और लोगों से मिलें, इससे आपको खुशी और शांति प्राप्त होगी। मोहब्बत के हिसाब से आज का दिन बेहतरीन तो नहीं है लेकिन किसी का साथ इसे अच्छा बना देगा। अपने साथी के लिए कुछ स्पेशल करें। आज अपने संबंधों को बनाने और पुराने संबंधों को और भी मजबूत करने के लिए एक यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ अधिक अंतरंग महसूस करेंगे और यह सुखद रोमांटिक पल आपको रोमांचित कर देंगे। याद रखें, घनिष्ठ संबंधों में बुनियाद मजबूत और संवाद की भाषा सरल, स्पष्ट और समझ में आने वाली रखें, तभी आप एक अच्छा रिलेशनशिप निभा पाएंगे। बात करते हैं करियर की। आज आप खुशियों की तलाश में हैं और किसी गुण ज्ञान से आपको प्रसन्नता मिलेगी। पिता या अधिकारी आज आपकी मदद कर सकते हैं या उन्हें आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। धन लेन देन में नुकसान आपके रोजाना के कार्यों को प्रभावित कर सकता है। नया व्यापार शुरू करने या उसके विकास के लिए यह समय अनुकूल है। समय के साथ आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी तरक्की आपके कौशल, कड़ी मेहनत और विवेक पर निर्भर करती है। जो निर्णय आप रोज लेते हैं वही आपकी प्रतिष्ठा है, इसीलिए समझदारी से निर्णय लें और जोखिमों का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी भी रखें। दोपहर बाद काम में कुछ
गड़बड़ हो सकती है, कामयाबी की खुमारी है। आप अपने करियर में कुछ गलत लक्ष्य का चुनाव ना करें। बात करते हैं सेहत की। सेहत ठीक रहेगा, परंतु अधिक वजन वाले व्यक्तियों को रक्तचाप व थायराइड जैसी बीमारी गंभीर रूप ले सकती है, इसलिए सावधान रहें। आज का उपाय, गरीबों को काले कंबलों का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।